कैसे हो आप सभी लोग। मैं आज बात करने वाला हूँ बिग बॉस के बारे में। अरे तो मैं पता है, मैं बिग बॉस सिर्फ दो कारण से इतने दिनों से देख रहा था। पहला यूट्यूबर्स, दूसरा एलबी यादव एंड पुकरा इंसान। तो आज दिन आ गया है, इंगेजमेंट के लिए वीडियो बनानी पड़ रही है मेरे को। तो ये बिग बॉस वाले, इनकी माँ की, अब ये साले क्रिकेट खेल रहे हैं जनता के साथ, जहाँ पे मेन जो बिग बॉस है वो है ट्रेनर, और जो खेल रही है वो है वहाँ की ऑडियंस, और जो फील्डिंग कर रही है वो है यहाँ की ऑडियंस। एक रिपोर्ट के अनुसार इस वक्त का, इस महीने का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉचिंग रिकॉर्ड, वॉच टाइम रिकॉर्ड गया है बिग बॉस को, 40 करोड़ घंटे का। तुम गैस करो, 40 करोड़ घंटे बहुत होते हैं उतने। पुलिस सुपरस्टार को उसके बाद रंडा पा करके उसको निकाल दिया, जिसकी वजह से इनकी हुई रेटिंग डाउन, जियो सिनेमा का बहुत लॉस हुआ। उसके बाद इन्होंने घुसाया एलविस यादव को, और अभी से एक भाई तो वहाँ पे पहले से ही थे, मतलब फुकरा इंसान। यार कैप्शन लिखना ज़रूरी है। सुपरस्टार को बुलाया तो बुलाया, पर पता है क्यों? उसकी बेइज्जती के लिए, सोशल मीडिया यूट्यूबर्स इंस्टाग्राम ने, इन सबकी बेइज्जती के लिए। ये मत सोचो, तो नीचे क्या देख रहा हूँ, स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, उसी को पढ़ पढ़ के बोलना पड़ रहा है, बहुत लंबी स्क्रिप्ट है। खैर टॉपिक पे आते हैं। उन्होंने बुलाया पुनीत सुपरस्टार को, फिर सेकंड में फुकरा इंसान को। पुनीत सुपरस्टार को हटवा दिया, अब फुकरा इंसान को बुलाया, उसके बाद एलविश यादव को बुलाया। एक काम करो, कैरी मिनाटी को भी बुला लो, पूरे घर की वही माँ चून देगा। तो वैसे ऐसे दिल पे मत लेना, पिछली बार स्टोरी लगाए थे इंस्टाग्राम पे भी 3 दिन पहले, कॉपीराइट आ गया, डिलीट कर दिया स्टोरी में। यही है औकात बिग बॉस की। पता हो तो नशा बहुत गलत चीज़ है, मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ। तो पर बिग बॉस में ये सब कुछ नहीं देखा जाता, बिग बॉस में खुलेआम नशा हो रहा है। तुम्हें पता भी है कैसे? मैं बताता हूँ, देखो एक्सप्लेनेशन समझो। बिग बॉस के जो एडिटर्स हैं वो पता नहीं कौन से चंबल की घाटी का नशा करके आते हैं, मुझे पता नहीं चलता। फुकरा भाई की एक बहस में, जो उन्होंने शायद बेबिका के साथ किया था बिग बॉस में, उसको इन लोगों ने भैंस की आँख उन्होंने बोला था, उसको इन लोगों ने भैंसचोर बना दिया। अब बताओ, इन एडिटर्स की हमें इस दुनिया को ज़रूरत है? ये फ्यूचर में चल के बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। वैसे तुम्हें पता हो तो मैंने इस पर प्रीवियस भी एक आख स्टोरी डाली है इंस्टाग्राम पे, तुमने नहीं देखी है तो आईडी नीचे दे रहा हूँ, जरूर फॉलो करके देख लो। इन लोगों को लगता है ऑडियंस चूक गया है, इन लोगों ने 24/7 का एक लाइव भी ऑन कर दिया, जिसमें कौन बंदा हग रहा है, कौन मूत रहा है, सब कुछ दिखा रहे हैं, वो भी खुलेआम। बेबिका नाम की एक उसमें कंटेस्टेंट है, भाई तुम यकीन नहीं करोगे उसके कारनामे, तुम्हें सब मिलेगा वहाँ पे, तुम्हें वेबसाइट खोलने की ज़रूरत नहीं है, सच कह रहा हूँ कसम से। हद तब हो गई जब एक बंदे ने खुद किस कर दिया वहीं पे, बिग बॉस के घर में। अरे ऐसे माधर जोत भरे पड़े हैं ना पूरी दुनिया में। और बिग बॉस ने क्या बोला? बिग बॉस इस नियम के बहुत खिलाफ है, ये करेगा सख्त कार्रवाई होगी, वरना इसे एलिमिनेट किया जाएगा। और किया क्या? अब देखो मैं दिखाना नहीं चाहूँगा, और तुम बस इस वीडियो को, बिग बॉस की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हो सके तो आगे भी पार्ट बनाऊँगा, और तुम लोग देख के हैरान रह जाओगे मैं जो दिखा रहा हूँ। आँखें बंद कर लो, 3, 2, 1। ये देखो दिखाता हूँ, ये थी इस वीडियो की स्क्रिप्ट। लिखने में 4 दिन लगे, बिग बॉस के टोटल 26 घंटे चाटे हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ये भी ना मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, पसंद आई तो ज़रूर से लाइक करना। बाय। हाँ हाँ होली आना तेरा, अब मैं बोलता हूँ, देखो बे वापस से वोटिंग होने वाली है, और वोट जाना चाहिए एलविस यादव और फुकरा इंसान को। यूट्यूबर की कम्युनिटी में रहो, समझे? इन दो को पक्का वोट जाना चाहिए, लिख के ले लो, और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर फॉलो करना।